बैकग्राउंड नॉइज हमारी वीडियो का पोपेड बना देती है। हाँ तो सही सुना आपने, आज हम जानने वाले हैं हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड नॉइज इन Audacity। पर भाई तेरे पास और मेरे पास तो फोन है ना, फिर ये Audacity कहाँ से आ गया, ये तो पीसी में चलते हैं। हाँ भाई, लेकिन आज हम अपने फोन से ही बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव करने वाले हैं। सॉरी फॉर Audacity, लेकिन Audacity से अच्छी हमारी नॉइज रिमूव होने वाली है। सो पहले हमारी ऑडियो कुछ ऐसी सुनाई देती है और नॉइज रिमूव होने के बाद हमारी ऑडियो कुछ ऐसी साउंड करती है। अब तुम कभी भी कैसे भी ऑडियो को रिकॉर्ड करो, नॉइज का टेंशन खत्म। तो कमेंट पिन में जाओ और वहाँ पे मैंने एक ऐप का लिंक दे रखा हूँ, उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड कर लिया तो उस ऐप को ओपन करो ना। सो गाइस, सिंपली से आपको इस ऐप को ओपन कर देना है। इंस्टॉल कर देने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम फोल्डर जो सबसे लास्ट में दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जिस भी फोल्डर में आपका ऑडियो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम अपने ऑडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यार ऑडियो तो मिल ही नहीं रहा। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पे ओके वाले बटन क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑडियो इनपुट हो जाएगा इसमें। उसके बाद आपको सिंपली से इस पे क्लिक कर देना है, ऑडियो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा ऑडियो पे खुल जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो स्लाइडर, इसको थोड़ा स्लाइड करते हुए आगे लाना है। आगे लाने के बाद आपको यहाँ से जो इसको आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए लंबे कर देना है और इस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। और रिकॉर्डिंग करते समय यार कुछ देर चुप रहा करो, उसके बाद चिल्लाओ ना जितना चिल्लाना है, 5-6 सेकंड चुप रहा करो। और चुप रहने के बाद आपको सिंपली से उस पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तुम चुप रहते हो, जिसमें तुम्हारी बस नॉइज आती है। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे जो झाड़ू का ऑप्शन दिख रहा है इसे क्लियर नब बोलते हैं, इस पे क्लिक कर दो। यहाँ से जो ग्रैब नॉइज सैंपल का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना है। हमने जो पार्ट को सिलेक्ट किया था वो पार्ट हमारा नॉइज में सिलेक्ट हो चुका है, मतलब ये ऐप उसको नॉइज मान चुका है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक कर देना है सिंपली से, तो ये हमारा जो सिलेक्टेड पार्ट था वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से झाड़ू वाले ऑप्शन पे चले जाना है, क्लीन अप वाले। उसके बाद उस ऑप्शन के सिंपली से नीचे अप्लाई सबट्रैक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ हमारी ऑडियो से नॉइज रिमूव हो जाएगा सिंपली से। तो हमारा ऑडियो से नॉइज रिमूव हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से क्लिक करना है और उसके बाद एक एग्जिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो हमारा ऑडियो यहाँ पे सेव हो जाएगा। और इसको सेव कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, ये ऐप में सेव हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो अनटिक वाला फाइल दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना है और एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको 2 नंबर वाला ऑप्शन को चूज करना है, आपको जो भी फोल्डर में आपको सेव करना है उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है और उसमें जाके ओके कर देना है। तो हमारा ऑडियो वहाँ पे सेव हो जाएगा। सो गाइस, नॉइज रिडक्शन करने से पहले अगर आप अपनी ऑडियो को HD और क्लियर रिकॉर्ड नहीं करते हो तो भाई कितने भी नॉइज रिडक्शन कर लो, आपका ऑडियो का क्वालिटी काफी खराब होने वाले हैं यार। तो आपको कैसे HD और क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड करनी है उस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख लेना है जिसपे मैंने बताया है कि आपको कैसे HD और क्लियर ऑडियो को रिकॉर्ड करनी है। तो अब जाओ यार, जाओ और वीडियो देखो। बाय।